यहां से अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि एग्री बजट में क्या रहा, यानी कि बजट 2022 में किसानों के लिए क्या खास रहा है, किसानों के लिए सरकार ने क्या बड़े ऐलान किए हैं और किसानों को क्या लाभ पहुंचेगा साल 2022 के बजट से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022-23 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मेट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही किसानों को डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा भी देंगे और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। अब आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं कि बजट में किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, किसानों के लिए क्या खास रहा है। तो सबसे पहले किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। दूसरा, जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। तीसरा ऐलान, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। चौथा, गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा, साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। साल 2023 जो रहेगा वो मोटा अनाज वर्ष के लिए घोषित किया जा चुका है। छठा पॉइंट, रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मेट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। सातवां, किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पूर्ण जोर रूप से कार्य किया जाएगा। आठवां, ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी। 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2022 में कृषि क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफ़ी सारी अहम घोषणाएं की हैं। जैसे कि साल 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के तौर पर माना गया है कि साल 2023 जो रहेगा वो मोटे अनाजों का वर्ष रहेगा, मोटे अनाजों के लिए रहेगा। वहीं गंगा किनारे 5 किलोमीटर की जो स्कीम है वो भी दी गई है कि गंगा के किनारे पाँच किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रिपल पी मॉडल के तहत किसानों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं दी जाएंगी। और जैसे कि हमने आपको इससे पहले बताया कि अब खेती के जो उपकरण होंगे वो भी अब सस्ते हो गए हैं बजट के आने के बाद से। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश कि बजट 2022 कैसा रहा है, किन किन क्षेत्रों में बजट के लिए क्या रहा, बजट में क्या रहा है और किन किन क्षेत्रों में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।